केन्दुझर जिला खसीपुरा ब्लॉक चरुआ पंचायत अंतर्गत बणियापोषी ग्राम रे बापांको शुद्धिक्रिया संस्कार को नेइ दुई भाई मध्यरे बचसा एवं परे संघर्ष घटी गुरुतर आहत अवस्था रे साईकुल गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती होइछन्ति। ग्रामर पंचानन सेठी को मृत्यु परे तांकर दुई पुओ मध्यरे बापांको शुद्धिक्रिया संस्कार को नेइ पाटीतुंड होइथिला। बड़ पुओ विनोद सेठी एवं सान पुओ कुना सेठी मध्यरे पूर्वरु शत्रुता रहिथिबारु बड़ पुओ विनोद एवं सान पुओ कुना मध्यरे बचसा सह हाताहाति होइ सान भाई कुना एवं पुतुरा आतिश कुमार सेठी गुरुतर आहत होइ साईकुल गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती होइछन्ति। उभयक मध्यरे गंडगोल रे बड़ भाई विनोद समेत परिवारर अनेक सदस्य मध्य आहत होइतिबा सूचना मिलिछि। उक्त घटना संपर्क रे रामचंद्रपुर पुलिस खबर पाई बणियापोषी ग्राम रे पहुंची घटना संपर्क रे अनुध्यान करुछि। ससुर मरीगले शाशु मरीगला आमे अलगा सुध होइतिनु हमर भाई चाहिँ हम के डाकि नथिले कि ये भी सुदाम देडसुर भी कहला आमे ताके भी डाकि नथि तुमे अलगा सुध हो आमे अलगा हे हमर बापा मरीगले से मासे परे बापा मरीगला परे आमे भी अलगा सुध होइतिनु हम के डाकिले नि से सब एक हाल आउ तापरे अलगा हला परे आजि कोन हला आजि आजि होछि आजि होछि जे तले कहिले मो ब्राह्मण को काहे कि तमे फोन करछ तुमे सुध हबो आमे कोन अक्रिया रहबो ना एति कहिबारु से 15 जन दौड़ी आसी कि तांको गुंडे देले फेले ले जले से मन को पड़ी गले एताले पड़ी गले ए माने 15 जन मो जमी कि गुंडे देखि मो 150 को कोन गटे हथियार दे देले कहले जा बुली जा हानि देता से बुली आसी कि हानि देला का को आनले कि आनले मो स्वामी कि मो 150 रे हानि देला कोन तुम नाडा अरे मो ना आतोष कुमार सेठी मा अपा ना कुन्ना सेठी माँ को ना प्रमीण सेठी कौन है जी घर बणिया बसी आउ तरुआ ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत तेरे आम बुढ़ापा मरी जाइए आम बुढ़ापा आमको डाकि नहीं आम अलग सुध होती आम जो आज पचार आम से बारी को ब्राह्मण को मना कर दे आम पचार ब्राह्मण कहीं मना कल सी कह समे दूरी आस घेरी धरीदे बापा तार बापा को हाणीदे तापर से मो बापा माँ को घोष सारे मत ईटा पत्थर मारे मुझे पचार कहीं मार्च बोली मुझे बुझीपार मत दु जन कंट्रोल चपड़ मारे ईटा पत्थर फल फल्ले मो बापा घोष सारे बापा मुझे खाने माँ को घोष सारे आम यार निर्देशर उमाकांत साहू को रिपोर्ट तदंत न्यूज। एभली अधिक खबर जानिया पे आम चैनल टिकु सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करूँ।